फ्रेंड्स, जैसा आप देख रहे हैं फोन पिक हैदराबाद की पूरी टीम यहाँ पे है और हमारा ये जो बैच है 11 अगस्त का बैच है हमारा। तुम क्यों रुक गए? ताली होनी चाहिए, बढ़िया कि नहीं है। सऊदी अरब में काम करते हो तो मतलब वहाँ सऊदी अरब में क्या सिखाने को नहीं था, क्या क्या था? नहीं नहीं, वो इस तरह नहीं सिखाता है, उधर जगह नहीं है। जगह नहीं और इस तरह नहीं सिखाते वहाँ? नहीं नहीं, ये डीप लेवल तक नहीं सिखाता है। हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम रजिस्टर्स की वर्किंग को देखने वाले हैं। रजिस्टर जो होते हैं फ्रेंड्स, काफ़ी सारे टाइप के आते हैं पीसीबी में, जैसा कोड रजिस्टर हो गया, नॉर्मल रजिस्टर हो गया, या पैकेज रजिस्टर हो गया, या वीडीआर हो गया वो, या फिर थर्मिस्टर आपका हो गया, या हाई वैल्यू रजिस्टर, लो वैल्यू रजिस्टर, बहुत सारे टाइप के रजिस्टर मोबाइल के पीसीबी में आते हैं। इसकी कंप्लीट डिटेल के लिए हम तो सारे स्टूडेंट्स को क्लास में बताते हैं और आज यहाँ पे इस वीडियो में मैं एक नॉर्मल रजिस्टर का काम बता रहा हूँ, कैसे वो करेंट को कंट्रोल करता है, कैसे वो एम्पियर लेवल को घटाता है, ये सारी चीज़ यहाँ पे बता रहे हैं, क्योंकि पुल अप और पुल डाउन रजिस्टर्स भी यूज़ किए जाते हैं पीसीबी में। तो इस वीडियो में आपको सारी चीज़ बताई गई है, वीडियो पूरा एंड तक देखें। और अच्छे से सीखना है आपको, एक अच्छे लेवल पे मास्टर बनना है तो ज्वाइन कर सकते हैं फोन फिक्स हैदराबाद। डिस्प्ले पे नंबर दिया गया है, यहाँ पे सारी सर्किट बनाकर हम आपको बताएंगे, जो कि इंडिया में शायद ही आपको कोई भी ट्रेनिंग सेंटर इस तरह से नहीं पढ़ाता है। हमारे यहाँ पे डिजिटली क्लासेस होती है, पूरा एनिमेटेड वीडियोस होते हैं सारे बच्चों को अच्छे से समझाने के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। देर ना करते हुए अगर कुछ भी इस वीडियो से सीखने मिला, जरूर लाइक करें, शेयर करें, नीचे अपना प्यारा सा कमेंट जरूर दें। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। क्योंकि फ्रेंड्स, अगर मोबाइल के पीसीबी में अगर आप देखेंगे कैपेसिटर्स के बाद सबसे ज़्यादा अगर कोई एसएमडी कंपोनेंट आपको देखने मिलता है तो वो इस तरह का एक रजिस्टर ही देखने मिलता है। इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के रजिस्टर्स मिलते हैं, जैसा इसको कोड रजिस्टर कहा जाता है और ये नॉर्मल रजिस्टर है। आप देख सकते हैं साइड में इसके वाइट कलर होता है और दो साइड में इसके सिल्वर कलर, यहाँ पर आप देख सकते हैं एकदम शाइनी होते हैं। और भी इसके इमेजेस मैं आपको बताना चाहूँगा, ये देख सकते हैं इस तरह के भी पैकेज रजिस्टर्स आते हैं जो कि आपस में इस तरह से कनेक्टेड होते हैं और ये आपको डिस्प्ले के पास या नेटवर्क वगैरह में आपको देखने को मिल जाएंगे। तो इसके अलावा इसको कोड रजिस्टर कहते हैं। ये रजिस्टर को ध्यान में रख लीजिए आप, साइड में इसके आपको व्हाइट कलर दिखेगा, एकदम चपटा हुआ है, ये साइज बहुत छोटा सा है, देख सकते हैं। कैपेसिटर क्या है, आपको बहुत ऊपर की तरफ उठा हुआ मिलेगा, बट ये रजिस्टर जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसका इमेज ध्यान में रख लीजिए, दोनों साइड सिल्वर लाइन है और बीच में जो कलर मिलता है ये ब्लैक कलर होता है इसका। तो ये रजिस्टर्स को आपको देखते हैं कैसा वर्क करता है ये। तो इसका अगर आप सिंबल देखेंगे तो इस तरह का इसका सिंबल होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये इसका सिंबल है। और ये जीरो ओम्स के भी मिलते हैं आपको, जीरो ओम्स से भी कम के भी मिलते हैं। ये वन के मैंने लिखा है, के का मतलब 1000 होता है, 1000, टू के मतलब 2000, 20K मतलब 20000, इसके बाद में के बाद में आपको मेगा ओम्स में भी मिलेगा, आपको 1 मेगा, 2 मेगा, 20 मेगा तक भी आपको मिल सकते हैं रजिस्टर। तो इसका वर्किंग देखेंगे, इसको क्यों इस्तेमाल किया जाता है। पहले मैं आपको डायरेक्टली बताऊंगा इसको बगैर इस्तेमाल करके सर्किट में क्या प्रॉब्लम आ रही है, और अगर से इसको अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो क्या प्रॉब्लम आती है। तो यहाँ पे फ्रेंड, सबसे पहले मैं एक बैटरी सोर्स ले लेता हूँ, ये देख सकते हैं एक बैटरी मैंने ले ली है, और अब हम एक एलईडी लेते हैं, ये देख सकते हैं। इस एलईडी को हम वोल्टेज देकर जला करके देखेंगे, यहाँ 1 वोल्ट है, तो मैं यहाँ बैटरी में जो हमारे वोल्टेज होता है वो 4 वोल्ट होता है, तो 4 वोल्ट सेट कर लेता हूँ, ये देख सकते हैं 4 वोल्ट मैंने सेट कर लिया है। अब अगर हम डायरेक्ट इसको हम वोल्टेज देते हैं, एक बार ग्राउंड भी लगा लेते हैं इसका, तो यहाँ पे मैं ग्राउंड लगा लिया हूँ। जैसे ही मैं इसको इसके साथ कनेक्ट करूंगा, और एक ग्राउंड और चाहिए ताकि इस साइड में हम दे सकें, तो एलईडी के एक दूसरे साइड पे ग्राउंड दे देंगे। तो यहाँ पे देखिए 4 वोल्ट में डायरेक्ट इसको दे रहा हूँ, तो ये देख सकते हैं ये एलईडी हमारी जल चुकी है, क्योंकि एलईडी जो है ये 2 वोल्ट की एलईडी है, मैं यहाँ बताना भी चाहूँगा आपको। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, एक बार बताना चाहूँगा मैं, 2 वोल्टेज और 20 मिली एम्पियर से ये बैटरी, ये हमारी एलईडी चलती है।
तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमको करना क्या है इसका, तो फ्रेंड्स अब इसको बैटरी में तो हमारे 4 वोल्ट होता है, तो इसको जलाएंगे कैसे? तो इसको जलाने के लिए हम बीच में इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे एक रेजिस्टर का। तो उसको कैसे इस्तेमाल करेंगे, तो सबसे पहले इसको मैं काट लेता हूँ और ये रेजिस्टर जो है हमारा, इसको लेकर आते हैं नीचे की ओर और यहाँ बीच में रख देते हैं। अब ये रेजिस्टर को यहाँ से यहाँ कनेक्ट कर देंगे, यहाँ से यहाँ कनेक्ट कर देंगे। हमको 2 वोल्ट आउटपुट में चाहिए और 4 वोल्ट हमारे पास इनपुट में है। तो चलिए ये रजिस्टर क्या, ये इसको फ्रेंड्स ये 1K का नहीं लगाना है हमको, यहाँ पे जितना रिक्वायरमेंट है ये 2 वोल्ट और जो हमारा एम्पियर चाहिए उसको उतना मिलना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए अभी यहाँ पे 1.7 वोल्ट मिल रहा है, तो एलईडी नहीं जल रही है, क्योंकि फ्रेंड्स अगर आप कम वोल्टेज देंगे तब भी ये नहीं जलेगी, या ज्यादा वोल्टेज देंगे तो शॉर्ट हो जाएगी। तो करना क्या है, अभी रजिस्टर की वैल्यू को हमको सेट करना है। तो रजिस्टर की वैल्यू को क्या करना है, थोड़ा सा इस तरह से कम करेंगे। जैसे मैं कम करूंगा फ्रेंड, यहाँ पे ध्यान दीजिए आप, इसका लाइट जल जाएगा। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देख सकते हैं फ्रेंड्स। जैसे मैंने यहाँ पे 70 ओम्स का लगा लिया यहाँ पे एक रजिस्टर, तो हमारी एलसीडी जो है हमारी जल चुकी है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो पहले इनपुट में 4 वोल्ट हमने दिया था, तो रजिस्टर ने क्या किया, 2 वोल्ट को यहाँ पे उसने कम कर दिया है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स रजिस्टर क्या करता है, जो करंट का फ्लो था उसको उसने कम कर दिया। अदरवाइज हमारा जो लोड था, जो हमारा लाइट है, डिस्प्ले है, वो जो आईसी है हमारा, वो डैमेज हो जाएगा। तो इसलिए बीच में लगाया जाता है रजिस्टर को। अगर फ्रेंड्स मैं बात करूं यहाँ पे, अगर मैं एक और एलईडी लगाता हूं तो देखना आप ये रजिस्टर क्या करता है। तो एक और एलईडी लेते हैं यहां से, ये देख सकते हैं एक और एलईडी मैंने ले ली है। सबसे पहले इस सर्किट को ब्रेक करते हैं यहां से और इसको मैं लेके जाके लगा देता हूं इसके बाजू में। देखिए अब मेरे पास 2 LCD है, मतलब 2 LED है। ग्राउंड भी ले लेते हैं, इसको ग्राउंड भी चाहिए, अदरवाइज ये काम नहीं करेगा। चलिए अब फ्रेंड्स सेम वही कंडीशन है और मैंने यहाँ पे दोनों के साथ इस सीरीज में लगा दिया है और ये पैरेलल में मैंने लगा दिया। चलिए अब प्ले करके देखते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स एलईडी उतना ज्यादा जो है ना ब्राइटनेस के साथ नहीं जल रही है जितना जलना चाहिए। देखिए दोनों में इसने एम्पियर को डिवाइड कर दिया, पहले जो हमारा एम्पियर यहाँ से पास हो रहा था, बट यहाँ पे दोनों में इसने डिवाइड कर दिया है। अब फ्रेंड्स हम क्या करते हैं, एक और एलईडी लगाते हैं इसमें, उसके बाद आप देखना इसने जो है क्या करते हैं। देखिए चलिए यहाँ पे एक और एलसीडी मैंने लगा दी है, सबसे पहले इसको ब्रेक कर देते हैं अपन और यहाँ पे ग्राउंड भी ले लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको रजिस्टर का जो वर्किंग है ये बता रहा हूं मैं आपको कि रजिस्टर क्यों यूज किया जाता है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स 3 लाइट मैंने लगा दी है, अब इसको प्ले करते हैं। तो यहाँ पे देखिए जैसे ही लोड बढ़ता जाएगा तो वो जो हमारा एम्पियर था वो सब में बट रहा है, जैसे कि आप देख सकते हैं, और इसका वोल्टेज में कोई कमी नहीं हो रही है, बट यहाँ पे एम्पियर देखिए तीनों में सेम डिवाइड हो गया है। तो एक और एलसीडी में यहाँ पे लगा देता हूं और उसके बाद आपको बताना चाहूंगा। अब ये लास्ट एलसीडी हम लगा लेते हैं, 4 चौथी नंबर की, और उसके बाद आप देखना अभी ये बिल्कुल ही जलाना बिल्कुल ही डिम हो जाएगी। चलिए तो फ्रेंड्स 4 LCD मैंने यहाँ पे जोड़ दी है जैसा कि आप देख सकते हैं। तो अभी हम प्ले करते हैं इसको, देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे पूरे LCD जो है ना उतना प्रॉपर अच्छी तरह से जल नहीं रही है और जो एम्पियर है सब में डिवाइड हो गया है। तो यहाँ पे करना क्या होगा फ्रेंड्स, जो रजिस्टर हमने लगाया था इसकी वैल्यू को हम कम करेंगे। जैसे वैल्यू को कम करेंगे तो यहां से ये और करंट पास करना स्टार्ट कर देगा। अभी 70 ओम्स का रेजिस्टर है, तो चलिए यहां से मैं इसकी वैल्यू देखिए 70 से मैं जैसे ही कम करता जाऊंगा, ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, ओ माय गॉड, ज्यादा कम कर दूंगा तो भी डैमेज हो जाएगी, ज्यादा वोल्टेज जाएगा तो एलईडी जल सकती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो हमको अगर चारों में अगर प्रॉपर तरीके से अगर से हमको यहाँ पे करंट को डिवाइड करना है, तो यहाँ पे देख सकते हैं 20 20 20 सब के अंदर जो हमारा एम्पियर है वो यहाँ पे डिवाइड हो चुका है। वोल्टेज देखिए फ्रेंड्स सबके लिए 2 वोल्ट यहाँ से जाएगा, बट यहाँ पे फ्रेंड्स जैसे हम एलसीडी बढ़ाते जा रहे हैं तो एम्पियर सब में बट रहा है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स रजिस्टर का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है ताकि ये जो है हमारे
लोड डैमेज ना हो, डायरेक्ट अगर करंट चले जाता है तो वो डैमेज हो जाए, क्योंकि फ्रेंड्स हमको 2 वोल्ट ही चाहिए बट यहाँ पे हमारे पास 4 वोल्ट है, तो बीच में लगा देते हैं एक रेजिस्टर। तो रेजिस्टर जो काम करता है फ्रेंड्स एक स्पीड ब्रेकर की तरह काम करता है, ताकि आगे हमारा जो लोड है ये ज्यादा वोल्टेज आए तो डैमेज ना हो। तो ये रेजिस्टर क्या करता है फ्रेंड्स, आपको वोल्टेज को करंट को कम करके आगे देता है जितना उनको रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पे देखिए सब में उसने डिवाइड कर दिया, तो ये रेजिस्टर बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, अगर आप इसको निकाल के डायरेक्ट अगर से शॉर्ट कर देते हैं, ये देखिए अगर इसको मैं हटाना चाहूँ यहाँ से, अगर मैं इसको शॉर्ट कर देता हूँ, ये देखिए मैं इसको एक बार हटा के बताता हूँ आपको, डायरेक्ट मैं इसको कर देता हूँ, तो डायरेक्ट यहाँ पे कर रहे हैं तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये हमारा चारों के चारों एलईडी डैमेज हो चुके हैं, शॉर्ट हो चुके हैं, क्योंकि 4 वोल्ट अगर डायरेक्ट इनको मिल जाएगा तो ये डैमेज हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम इस्तेमाल करना होता है आपको रेजिस्टर का, तो रेजिस्टर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं फ्रेंड्स, इसको निकाल के आप बिल्कुल भी जो है ना शॉर्ट करने की कोशिश मत करें, और इसको जरूर लगाएं, वापस निकालेंगे भी तो आप, और यहाँ पे देखिए अभी प्रॉपर चलेंगे जैसा कि आप देख सकते हैं। तो एक रेजिस्टर इतना इंपॉर्टेंट होता है फ्रेंड्स कि आगे का आपका लोड डैमेज हो सकता है। लोड क्या होता है फ्रेंड, जो आईसी आपकी है आगे लग के है, या फिर आगे डिस्प्ले लग के है, या चार्जिंग आईसी लग के है, या ग्राफिक डिस्प्ले लग के है, कोई भी आईसी या कोई भी ऐसा जो लोड उसे कहते हैं जहां पे आपका बैटरी का जो करंट है, जहां पे जाकर के खपत होती है बैटरी की, जहां पे बैटरी का वोल्टेज जो है डिस्चार्ज होता है, जहां पे जाके यूज होता है, उसको हम लोड कहते हैं। और जो बीच में ये कंपोनेंट मिलते हैं फ्रेंड्स, ये सीरीज में लग के है जैसा आप देख सकते हैं। तो इसके रजिस्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज यहाँ पे आपको समझ में आई। अभी मैं यहाँ पे देख सकता हूँ, यहाँ पे मैं अगर रजिस्टर की वैल्यू अगर बढ़ा दूंगा, जैसे मैं बढ़ा रहा हूँ, देख सकते हैं आप चारों के चारों एलसीडी से क्या हो रहा है, एम्पियर नहीं मिलेगा तो वो काम नहीं करेंगे। फिर देख सकते हैं यहाँ पे जितना चाहिए उतना, अगर मैं ज्यादा भी अगर करंट दे दूं तो एलसीडी जल जाएंगे। तो फ्रेंड्स ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि रेजिस्टर, एक एक रेजिस्टर को आप बहुत अच्छे से लगाए, अच्छे से चेक करें कितने वैल्यू का रेजिस्टर वहां पे चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो एक रेजिस्टर इतना इंपॉर्टेंट होता है फ्रेंड्स। इसमें फ्रेंड्स आपको ये मैंने 30 ओम्स का रेजिस्टर लगाया, कहीं पे आपको 1K का लगाना पड़ सकता है, कहीं पे 2K का देखने मिलेगा, कहीं पे 10K का देखने मिलेगा, कहीं पे 100K का भी देखने मिलेगा, तो कहीं पे सीरीज में भी मिलेंगे, तो कहीं पे पैरेलल कनेक्शन में मिलेंगे। तो दोनों चीज का ध्यान रखें आप कि कहाँ पे किस तरह से ये मिल रहे हैं। तो ये एक रजिस्टर को मैंने आपको समझाने की कोशिश की है फ्रेंड्स। रजिस्टर को अगर सिंपल भाषा में अगर आप समझें तो ये स्पीड ब्रेकर का काम करते हैं। जैसे ही गाड़ी स्पीड आ रही है, स्पीड ब्रेकर को देख के स्लो हो जाती है, तो जो करंट हमारा जो फ्लो के साथ आ रहा था बीच में रजिस्टर लगा देने से, वो आहिस्ता आहिस्ता से निकालेगा, जितना आउटपुट में चाहिए उतने वैल्यू का आपको रजिस्टर लगाना है। अगर निकाल के डायरेक्ट जम्पर कर देंगे तो ये सारे के सारे डैमेज हो जाएंगे, शॉर्ट हो जाएंगे और वर्क भी नहीं करेंगे। तो ये एक रजिस्टर की बहुत इंपॉर्टेंस होती है फ्रेंड्स। तो इस वीडियो में मैं आपको समझाने की कोशिश किया हूं कि रजिस्टर को अच्छे से देखें, इसको चेक करें, एक एक कॉम्पोनेंट सर्किट को डैमेज कर देता है, सर्किट को शॉर्ट कर देता है। चलिए आज के वीडियो में इतना ही, थैंक यू वेरी मच।